पहाड़ों में मचा हाहाकार, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं लहरों में लड़ती जिंदगी। मानसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है, नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पुल ढेर हो रहे हैं, और इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। ये तस्वीर धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे की। गुरुवार की शाम यहाँ से लोगों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि लोगों ने इस इलाके को पार करने की कोशिश नहीं की, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यही हाल चमोली में रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे का है, जो लैंडस्लाइड के बाद बंद पड़ा है। सड़क को चालू करने की कोशिश जारी है, लेकिन तीन दिन से कई लोग यहां फंसे हैं। फंसे हैं? आज तीसरा दिन है जी। क्या क्या सामान है? लेकर है जी आर्मी की। अभी स्थिति क्या है? खुल जाएगी बोल बता रहे हैं। अभी आज ही आए हैं जी। आज आए हैं? अच्छा अच्छा। खाना खुने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। नहीं होगा तो फिर तो हथियार डाल देंगे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पुरसारी और लामबगढ़ में भी बंद है। भूस्खलन के चलते सड़क आधी नीचे धस चुकी है। यहाँ भारतीय सेना के जवान भी फंस गए। बाद में उन्होंने खुद नाले में पत्थर डालने का काम किया, ताकि रास्ता जल्द से जल्द खुल सके। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह पश्चिम बंगाल का भी बुरा हाल है। देखिए दार्जिलिंग की तस्वीरों को। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। नेशनल हाईवे 10 को बंद करना पड़ा, जहां मरम्मत का काम चल रहा है। केलिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ तरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका आता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है, 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं उफनते नाले मौत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां उफनते नाले के बहाव में 3 लोग स्कूटी समेत बह गए। स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और 2 लोगों को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन एक लड़की बीच बहाव में बुरी तरह फंस गई, जिसका करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू चला। जम्मू में एक बच्ची बाढ़ की चपेट में आ गई और नदी में तेज बहाव में बह गई, जिसका SDRF ने रेस्क्यू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज तक देर हो।